दोनों से मैं बात करती हूँ। बहुत सुने प्लीज, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से हम ना पाक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अंदर हमारा गुनाह से भर जाता है और जो कुछ अंदर होता है वही फिर बाहर निकलता है। फिर नो मोर वर्शिप, बोले ना भाई जी टाइम है अगर चल चलिए। अंकल जी मैनू बड़ा जरूरी काम है, अच्छा बड़ा जरूरी काम है, अच्छा करना की दो कमर ले सुखा है। मैं किसी इनकी जिन साल दे रहा, मैं जन्म साल दे रहा हूं, बड़ा जरूरी काम है। ताप कहते जाना है, ते जुबेल जाना है, ते हाफरबादन जाना है, भाई जी इतने होना है एक उसी तो दिलचस्प बात कर रहा। तो जो खुदा का टाइम है आप मैनेज कर सकते हैं। हम सब ने सब ज्यादा मेहनत भाई जैकबल भाई करते हैं, सच्ची बात में कह रहा हूँ, और सबसे लंबी गाड़ी ये चलाते हैं। आप पकड़ाटे मार सो पीछे बैठ सो होते हैं, हम जगह बदलते हैं, एक अगे एक पीछे, एक अगे एक पीछे, ये उसे वो सीट लेने नहीं, ये कभी कंप्लेन नहीं करते। हम कहते हमारे टांगे की टांगे को मजबूत गए, ये नहीं कभी कंप्लेन करते, चलते रहते हैं। तो क्या ये बातें एजिबल नहीं सिखाती हमें? क्या हम बहुत थक जाते हैं जब हम खुदा को प्रॉपर टाइम नहीं देते? इसका मतलब है हम एजिबल को टाइम दे रहे हैं, और जब एजिबल को टाइम देंगे बहुत प्रस्ती करेंगे, बहुत प्रस्ती करेंगे, हरामकारी करेंगे, फिर जनाकारी करेंगे। किसी भी सूरत में हम रूहानी या जिस्मानी या माली या खानदानी तौर पर किसी तौर पर भी ये सारे मसले सारे सारे घर में आ जाते हैं। अब इस सारे वक्त के अंदर पहली बात हरामकारी, दूसरी बात बहुत प्रस्ती, तीसरी बात जनाकारी, और ये आती कैसे है? पहला ग्रंथियों दसवें बाब की चौदहवीं आयत में लिखा है कि उन तमाम कुर्बानियों में शामिल नहीं होना। मैंने एक दिन हम दोनों भाई ने एक बात सीखी, बाइबल मुकद्दस के सारे जो वादे हैं आज के लिए हैं और फ्यूचर के लिए हैं, आज के लिए और फ्यूचर के लिए। मिसाल तौर पर हमारा कोई बेबी बीमार हो जाता है या हमारे हमें किसी बेटी की शादी करनी है, तो क्या होगा? आज की बात करेंगे ना, आज मांगिए ना, और आपका मेरा खुदा ये नहीं कहेगा कि शरवन साहब आज ठहर जाओ, अगले महीने में आवांगा धन भर के दबाऊंगा। ऐसे होता नहीं, नहीं। आज दुआ मांगिए, जैसे मुंह खुलता है बरकत, जैसे मुंह खोलेंगे बरकत मिल जाएगी, जैसे कुछ कहेंगे खुदा आपको दे देगा। और खुदा एक फ्यूचर की बात करता है कि मैंने तुम्हारे लिए अबदी मकान बनाए हुए हैं, और वो हाथों से नहीं बने हुए। खुदा ने अपने तख्त पे अपने नए यरूशलम में हम सबों के नामों के साथ घर बनाए हुए, और उसने कहा है मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। सो इस सारे समय में होता क्या है, हमने कभी भी किसी तौर पर भी किसी कुर्बानी की गोश्त को शामिल में शामिल नहीं किया। आज एक ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको इसे आगाह करना चाहता हूँ कि लोग उन पुरानी कुर्बानियों को फिर करना चाहते हैं। यस, ईदों को और कुर्बानियों, ईदों को मनाना चाहते हैं। क्या उन ईदों को जब हम मनाएंगे तो क्या खुदावंद यीशु मसीह के उस कुर्बानी को हम रिफ्यूज कर रहे हैं? Yes. मना कर रहे हैं? Yes. डिनाई कर रहे हैं? इंकार कर रहे हैं कि एक और बर्रा हमें चाहिए, यक्षाला बर्रा चाहिए, कोई मैंडा चाहिए, कोई बछड़ा चाहिए? तो फिर खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब में क्या कुछ फायदा है हमारे लिए? गुड फ्राइडे पर क्यों मनाते हो? ईस्टर क्यों मनाते हो? क्रिसमस क्यों मनाते हो? खाली करो। और ये काम है ऐसे करना, ये उस रूह का काम है जो हमारे अंदर घुस जाती है, और फिर हमें स्लो स्लो बड़े फ्लाइट में मक्खन लगा करना हमें हमारे ट्रैक से बाहर ले जाता है। और फिर कहता है कभी शोर कहता है कोई बात नहीं, क्या है हमने फलां को भी तो खुश करना है। बीवी कहती है मेरी वो बड़ी अच्छी दोस्त है, उसको क्या प्रॉब्लम है, हम सिर्फ मिलने के लिए तो गए हैं। फिर
इस साल एक और प्रॉब्लम है, इसको अर्पित तहफ्फुज़ है, सिक्योरिटी। आज लोग इनसिक्योर हैं, यस, अदम तहफ्फुज़ में है। जब खुदा ने यूसुफ से 365 दफा कहा है कि मत डर, मत खौफ का, हम डरते रहते और डर डर के मर जाते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है, मेमोरियल सर्विस, सारी जिंदगी बंदे ने कुछ टच जाता नहीं लाओ, उसको कहें मैं आसमानी बाप की शफी बन, मेरा आसमानी बाप बहुत खूबसूरत है और मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, मैं खुदा यूसुफ सी की शफी बन, और उसने मेरी सूरत को अपनी छेद रखा है, आमीन। रद्द नहीं कभी, मत अपने आप को समझे कि मैं छोटा हूँ। हमारे साथ एक मेरा दोस्त था, जान जीटो, उसका नाम है, आजम बस्ती रहता है। वो अक्सर अपने भाइयों से बोलता था, नानू भाई के भाइयों से बोलता था, आप 14 साल मुझसे छोटे हो, 1400 साल तुम को समझने दो क्या कह रहे हो, 600 साल क्या कहते हो भाई, मैं लंच में बताऊंगा आपको, कह रहे ये बात क्या मुझसे छोटे, अपने आप को अपने कद को ऊंचा ऊंचा करें, अगर 6 फुट कद है 7 फुट समझे, 8 फुट समझे, अपने आप को ऊंचा समझे, क्योंकि आप खुदा मुझे यीशु मसीह की शरीर पर बने हुए हो। ये एजिबल का काम है, हमें रद्द करने का, हमें अदम तहफ्फुज़ में शामिल करने का ये सोचती है, और ये इस बात पे लोगों को कहती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू काला है, तू काला है, तू कोई काम नहीं कर सकता। जब हम मुंह खोलेंगे, खुदा आपको कसरत से बरकत देगा। फिर इस तरह एक मनफी सोच है, नेगेटिव बहुत सोच है। मसाल तौर पे जब हम फ्रिज जाते ना, फ्रिज में दोनों भाई जाते तो हर दफा जाते हर दफा बेइज्जती को वापस आना, हर दफा बेइज्जती, क्यों भाई सैम, बंदा सही है, दुआ बड़ी लंबी करता है, बंदा ठीक है, सही है, खराब नहीं है, ना चोरी करता है, ना सिगरेट पीता है, ना दारू पीता, बंदा ठीक है, एक प्रॉब्लम है, दुआ बड़ी लंबी, 12 बजे गिर जाऊंगा ये 11 बजे जाके दुआ शुरू कर देता है, जब मैं हाथ दुआ कर लिया तेरे बस बरकत में बन गया। एक बंदे ने क्या, मैं भाई जी मैं कहीं का नहीं कर, तू मर जा, मैं इतना खुदा हूं तेरे बरकत दे, खुदा हूं तेरे बच्चा नु बरकत दे, तेरे अच्छा जॉब मिले, एक काम अच्छा मिल जाए, सब पहले ही करना, मैं क्या भाई तू मर जा, कहता नहीं मैं दुआ ही करना आ गया, तू बुरी गलत नहीं करता, ये काम है ऐसी बात, मनफी सोच जहां आएगी। हेलो कहते हैं पाजी कलाम बड़ा अच्छा सुना है, लंबा बड़ा दैट इज स्लाइड है ना, ये पीछे लाल मिसी हो जाए नजर भी नहीं आता, ऐसे नहीं ऐज होना चाहिए, यानी हर काम के अंदर कोई ना कोई नुक्ता चीनी करती है। अदनान साहब कढ़ाई मजे दी पकाते हैं, अंकल जी इतने टमाटर काट के उस पाए थे ना, जेज़बेल स्पिरिट, और उसका नाम है एज़बेल की रूह, और वो कोई ना मर्द है, ना औरत है, ना बेटा है, ना बेटी है, कोई नहीं है, वो एक रूह है, और वो पेनिट्रेट कर जाती है, वो खून में आई इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट हो जाती है। अब इसका एक बड़ा और काम, 21 बार देखें, पहला खराज 21 बार, एक शख्स नबूत है जिसके पास एक खेत है, लालच, लालच पैदा करता है, जबरदस्त, दो बंदे बड़े खतरनाक होते हैं गिरते हुए, एक खुदा जी एक अर्जुन साहब, टिकट नहीं होते बंदे फादर साहब नहीं टिकट देते, क्यों हथियार जो है ना, हर हथियार गिरते रहा होता है, एक किन्ने पैसे होंगे, एक किन्ने पैसे हैं, एक जगह चला तो की करा, ठीक है, लालच की रूह जहां आई है वहां एज़बेल, जहां एज़बेल आ जाएगी वहां बर्बादी आ जाएगी, जहां बर्बादी आ जाएगी जब हम पढ़ते हैं तो इसके पास एक जबरदस्त खेत था,
और उसकी अपनी मलकियत। और आज हमारे अपने घर को कोई किराए का पेशा घर को कोई कहे भाई जी छोड़ दो घर मैं रहना इतने कितनी देर में तकलीफ होती है। उसने अपने आदमी से बात की, बादशाह से बात की। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं। इसने कहा बादशाह तो चुप कर जा और मेरा काम देख। उसने वहां पर 295C का वहां पर नकार किया। दो शरीर लोगों को बुलाया। आप इस 13 पढ़ सकते हैं, 21 बात 13 पढ़ सकते हैं। दो शरीर लोगों को बुलाया। उसने कहा चला चला के पुकारो कि नबूत ने बादशाह की और खुदा की तस्वीर ली है। और लोगों ने उसको तब कहा कि इसको पत्थर मार मार कर संसार कर। यानी एजिबल जो है एट द एंड लोगों को मौत के घाट उतार देती है। हमने अपनी किसी बेटी को नहीं मरने देना, किसी बेटे को नहीं मरने देना ना। उनके पीछे लगे रहना है, उनको खुदावंद के पास लाए रखना है ताकि खुदावंद उनकी जिंदगी बड़े बड़े हो। फिर इसका एक और काम है, ये नुसरत काम नहीं करती, सब्र के साथ करती। उसके अंदर खुदा की हमारी दादे वाले में ठंडी बढ़ जाती है। हम कहते हैं चलो जुमे को जुमे गैरत जागती है, बाकी चीजें सो जाए हैं। बड़ी जाग दी, चिट्टा सूट पा के परफ्यूम ला के परफ्यूम पा के जाने हैं असीं, बड़ी गर्म जाग दी है। उस बगैर सो जाती है। और ते केड़ी 81 गोली की है, नींद दी गोली 81 ही हां, नींद दी गोली खा के ना फिर सो जाती है। पूरा हफ्ता जाने सुती हुई है जिन्हें ड्रैगन तक जाग दी। ये हाल पूरे वाले को पढ़े। उसके बाद उसने कहा एक आपको जाकर सेट किया और आज भी वो सबसे पहले वो पासवानों को थ्रेट करते हैं। सास बहू जो है लड़ती नहीं है, कभी नहीं लड़ती। सच्ची बात कह रहा, एक तीसरी को रूह होती है, वो कोई भी हो सकती है, वो डिस्टर्ब करती है और वो ऐसी भी होती है। एक ससुर और एक बहू बेस्ट फ्रेंड होती है, पक्की बात। एक बहू अपने ससुर को इतना प्यार करती है, अपने बाप के बराबर उनको जानती है, लेकिन एजिबल दोनों को अपार्ट करती है। सास को बहू को अपार्ट करती है, मियां बीवी को अपार्ट करती है, जुदा करती है। क्यों? जहां इकट्ठे होंगे वहां बरकत आएगी, बरकत खत्म करने की सब कुछ काम होगा। Chaos. अगर कोई शख्स आपको अपार्ट करता है, हमें बहुत ज्यादा डाउट मिलती है, भाई जी तुसी आ जाओ, भाई साहब को छोड़ दियो, मैनू कहते ने नॉर्मल साहब खाली करो तुसी चक्कर लाओ। मैं कहता भाई जी उसी पर ध्यान न जाओ, सही गलत नहीं है। हमें खुदा ने जोड़ा है, एक रूप एक रोया के तहत हम अकेले के नहीं चाहे। दोनों को कबूल कर दे ठीक है, नहीं कर दे गाड़ी बड़ी है। जो भाइयों में नफाक डालता है, इंसान खुदा से कराहत करता है,
मेहरबान खुदा को क्राहियत है इस बात से, और जो मियां बीवी में नफाक डालता है खुदा को उससे भी क्राहियत है, जो बच्चों में नफाक डालता है खुदा में खुदा को उससे भी। मेरा बेटा जितना मर्जी शरीर है, मैं अपने बेटे के खिलाफ सुन लूंगा, मेरा दिल नहीं मानेगा कि वो मेरा बेटा गलत है। किसका बेटा है? मेरा बेटा है। और ये काम इस्लाम से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को 135 ज़बूर लिख के जेब में डाल दें और पढ़ते रहें। मुबारक है एक जो खुदा से डरता है। आमीन। सो चलता है तो हमें इस बात को देखना है तो हमारे को सब करेंगे तेरी बीवी तेरे घर के अंदर में आ जाता है कि मैं तो अब ये हमला कैसे करते हैं हम तो सब उनके पास आ गए हमला कैसे करते हैं। मैं आप सब की विनती करता हूँ जिनके पास करोड़ के बच्चे हैं जिनका तर्कश भरा हुआ है अल्लाह के फजल से, हाँ भी सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बात बहुत पहले आम लोगों से करती हूँ, आज मैंने मौका ढूंढा भाई की इजाजत की बैठ नहीं कहा मेरे घर की कोई और था नहीं पास पास बता नहीं हम सब पास पास हैं हम सब पास हैं। आपका सबका ये लेवल है इस्लाम को सुनकर इस्लाम को अपनी बेटियों को, मेरे पास बेटी है आपके पास बेटी है आपके पास बेटा है आपके पास बहन बहनों की बेटियां हैं अब भाई भाइयों के बेटे हैं आपके पास जितने भाई भाइयों के बेटे हैं सबको गुलाम यूसुफ जी के लहू में हर रोज छुपाया हर रोज को अपने बगल में छुपा देना पड़े अपने पास अपने पास इनको कभी अपार नहीं क्योंकि इस रोज को हमले करती है और जब हमला करती है फिर कहते हैं मैं ना डरा हूं ये धीरे डरना शुरू हो जाता है। कर्म से जब इंसान गुजरता है तो उस कर्म से निकलता है खुशी का उस पर ठहर जाता है। आमीन। एक कर्म में पड़ता है कर्म से निकलता है और जब निकलता है तो जैसे खुदा आपके लिए सेहरा लेके आता है उस सेहरे के मुताबिक खुदा आपके बन जाता है। अब जब एजिबल क्रू मुख्तलिफ तरीकों में शामिल होती है अब ये मैं आपको बताऊंगा आप दोनों कहीं भी जाएं एक बंदा कहेगा आपसे मालदा साहब बहुत अच्छा कलाम साहब बहुत फंटास्टिक लगा भाई जी तेन मैं ना यद दाल खड़ना है सैमुअल भाई को छोड़ देना ये बुढ़ा पागल हो गया सही बात मैंने सुना अपने कानों से ये बुढ़ा पागल हो गया छोड़ दो ठीक बात भी नहीं मैंने उससे पूछा भाई जी मैंने कभी आप सब गर्ल किया नहीं कोई मेरी यहाँ गर्लफ्रेंड है नहीं कोई और कोई मसला है मेरे अंदर मैं कहा चर्च से चोरी करता हूँ कभी गाय की चोरी करता हूँ नहीं ए बस इसको फिर भी छोड़ दो ठीक बात नहीं है भी क्या ठीक आदमी नहीं है ये कैमरा इसके बारे में ये हर दफा कहता है स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए स्लीवलेस नहीं पहनने चाहिए कॉलर के बटन बंद करने चाहिए बाजू सीधे रखने चाहिए अच्छे कपड़े पहनने चाहिए जी टाइम से मना करता तो भाई भी क्या कहते मना करता अपने से तो मना नहीं करता नहीं फिर भी इसको छोड़ दो आप मैंने कहा भाई जी मैं अपनी बीवी के बाद में इसको ये गुजारा बना दूँ उसने दाऊद बादशाह से कहा कि मैं आपका दोस्त हूं गलत क्या थी अगर दाऊद बादशाह बनता है बाप को मार देखा तो मैं बादशाह बनता तो फिर भी मैं इसका असिस्टेंट बन जाऊंगा अगर मेरा बाप दाऊद को मार देगा तो पक्का मैं बादशाह कहता ना बीच की बिल्ली ना इधर देना उधर दे लोटा एज इवन ऑलवेज लोटा और आज लोग भी ऐसे करते हैं खुदा नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं फातिमा पतरस नाराज नहीं होना चाहता शालोम नाराज नहीं होता खुदा के कह दे सवेरे गुटने के कहा माफी मांगा दे खुदा के नाराज नहीं होते आज तो ब्याह है पतरस का
लाइव बेइज्जती हुक्मरान है, सल्तनतें हैं, बादशाहें हैं, एक के बदले हजारों को और साथ मरवा देते हैं। लोगों ने याकूब को परवाह दिया, अमाल 12 बार पढ़ लिया पहली बार पहली आज, और किसके पीछे पड़ गए? पतरस के। और पतरस के पीछे, हाँ मेरे पतरस है, अपना जिंदा दे खुदा का शुक्र है, जिंदा रहने का सदा। क्यों? ये क्लीसिया के अंदर है और क्लीसिया ने आंसुओं के साथ दुआ और रोजा करना शुरू कर दिया। जो दिन आप कम कर रहे हैं उसमें रोजा रखिए, जो दिन आप कम कर रहे हैं उसमें रोजा रखिए। शायद किसी एक पतरस की जान आपके रोजा कर रखने के वसीला से, दुआ करने की तरफ बच जाएगी और आप किसी एंसिबल को फुल स्टॉप लगा कर कहेंगे, एंसिबल नो मोर एंसिबल, कि आप इस स्थान में इस क्लीसिया में दाखिल नहीं हो सकते। मत दो साल के बच्चों को फरमाए, बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदाबंद पैदा हो चुका है और उसने इस जमीन पर हुक्मरानी करनी है और इस जमीन को नए आसमान में नई जमीन को बदलने के लिए उसने काम चलाया है। बड़ी ये स्किलफुल होती है, बड़ी हिकमत अमली से काम करती है, टेक्निक से। ये सारे काम तेरे ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं तुम गया सी 2 बजे मीटिंग, आज फिर 2:15 बजे, फिर 2:30 बजे, आखिर तक दुआ की थी, फिर आप पढ़ लिया पतरस का, फिर भाई ये तो बात पढ़ लिया, फिर सफर जानी, फिर दुआ शुरू कर देती है। क्यों नहीं करेगी आप? क्यों नहीं करेगी? पकड़ लेगी आपको, क्या 5 गीत खाएंगे और 1 मंगा लेंगे, 3 भी गा सा लेंगे, 2 भी गा सा लेंगे, बस ना की प्रॉब्लम थी। थके आया बंदा सवेर का, फिर गीत शुरू करते हैं, फिर प्रस्तुत शुरू, हाँ दर्दी का तारीफ फिर पहले गाया, मैं क्यों डरा पहले भी गाया, फिर दुआ शुरू कर। ये छोटी छोटी बातों में आपको डिस्टर्ब करेगी। मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूं, अब ये स्किलफुल पता कैसी है, जज के अंदर होती है पार्टी, पार्टी 5 बंदे डाल सकता हूं, फिर 5 बंदे से बोल, फिर 5 भाई का बनना, फिर 5 भाई का संगी ना, हर बजे बजे पीछे लगे हैं। माँ बाप क्या करते हैं? जाना है जॉय मिला सबसे प्यारी, रेचल माँ की प्यारी, रेचल दादी की प्यारी, मैरी किसी की प्यारी, काका किसी का प्यारा, हमने बच्चे बांटे हैं, प्यार बांटा हुआ है, ये कौन करती है? ऐसी मेरी बड़ी कहती है बाप मेरा है, छोटी कहती है बाप मेरा है, जब कहता है मुझे पक्का पता है कि बाप है ही मेरा, उसको पक्का यकीन है कि बाप है ही मेरा है, किसी का बाप, किसी को पक्का यकीन होना चाहिए कि ब्लेसिंग बैठे जहीं भी, जहां भी आप जाते हैं वो खुदा का घर है और मेरा घर है, ऐसी बिल्कुल घर जो नहीं है, ऐसी तो उसमें कोई प्यार है नहीं। अब इसका अंजाम देखिए, दूसरा तरह के नाम बाप यहाँ पड़े, दूसरा दिन नामे बाप ने खूब नेका का क्या दिए। एक बार मैं गया तो लोगों ने ड्रामेबाजी की हुई थी, तो मैंने कहा भाई जी ये 2-2 किलो जो आप नेका पर क्या आते हो, मैंने कहा पासवानों को देखा, सच्ची बात करो आईब्रो बनवाए ने पादरियों ने, बाजी और बाजा सच्ची बात कर रहा हूँ, दुख से बात कर रहा हूँ, खूब फीचर फूचर खराब करते हैं, स्किन चमक रही होती है जिवें कोई बेटी ने बेटी दी शादी होनी है, स्किन चमक रही होती है,
दुख से मैं कहता था और ये ऐसी बदला ऐसी बदल भी ऐसे किया। मैं एक दफा 96 87 की बात है, मंगला डैम पे मैं गया, सबसे ऊपर पहाड़ी पे गया, तो एक बेचारी न्यू कपल था, बेटी आई, उस तब वो कैमरे का दौर था, ये फोन दूसरे कैमरे का दौर था, तो दीवार सब